हम आपके सम्मुख एक पत्र पर चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन पत्र पर चर्चा करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जब भी बीईओ स्तर पर या एआरपी स्तर पर या शिक्षक संकुल के स्तर पर विद्यालयों के डीसीएफ यानी कि डाटा कैप्चर फॉर्मेट भरने की बात आती है, तो उनमें ये प्रश्न भी सम्मिलित होता है कि सभी विद्यालयों में प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची के साथ साथ प्रेरणा तालिका चस्पा हुई है कि नहीं। अभी तक विभाग द्वारा विद्यालयों को प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका उपलब्ध नहीं करवाई गई थी, जिसके संदर्भ में बेसिक शिक्षा महानिदेशक जी श्री विजय किरण आनंद जी का एक पत्र उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित किया गया है। यह पत्र 23 नवंबर 2020 को प्रेषित किया गया है, जिसका विषय है प्रेरणा तालिका, प्रेरणा लक्ष्य एवं प्रेरणा सूची को विद्यालय में चस्पा कराए जाने के संबंध में। पत्र में आगे लिखा गया है कि महोदय / महोदया, कृपया उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक दिनांक 7 अक्टूबर 2020 एवं पत्रांक दिनांक 21 अक्टूबर 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो मिशन प्रेरणा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची एवं प्रेरणा तालिका के मुद्रण, आपूर्ति, वितरण व उपयोग हेतु जारी विस्तृत दिशा निर्देश तथा आपूर्ति की सूचना गूगल लिंक पर उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। देखिए, सभी जनपदों से गूगल लिंक के माध्यम से मिशन प्रेरणा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रेरणा तालिका के मुद्रण, आपूर्ति और वितरण के लिए सूचनाएं एकत्र की गई थी। इस पत्र में आगे लिखा गया है कि आप अवगत हैं कि समस्त जनपदों में प्रेरणा तालिका, प्रेरणा लक्ष्य एवं प्रेरणा सूची बच्चों की संख्या के आधार पर आगणन करते हुए इस आशय के साथ में उपलब्ध कराई गई है कि समस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में इनकी उपलब्धता एवं चस्पा कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक विद्यालय में उक्त प्रेरणा तालिका, प्रेरणा सूची एवं प्रेरणा लक्ष्य चस्पा कराए जाने का उत्तरदायित्व तो जनपद के जिला समन्वयक प्रशिक्षण / प्रभारी जिला समन्वयक एवं विकास खंड स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी का है। देखिए, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत सभी विद्यालयों में प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा तालिका और प्रेरणा सूची को चस्पा कराया जाना है और इनका मुद्रण विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के आधार पर किया जाना है। सभी विद्यालयों में इनकी उपलब्धता और चस्पा करने की जो जिम्मेदारी है वो सभी जनपदों के जिला समन्वयक प्रशिक्षण, जो प्रशिक्षण के लिए जो जिला समन्वयक होते हैं या प्रभारी जिला समन्वयक और विकास खंड स्तर पर, इसकी जिम्मेदारी सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को है। इसमें आगे लिखा गया है कि अतः उपयुक्तानुसार निर्देशित किया जाता है कि मिशन प्रेरणा के प्रभावी क्रियान्वयन एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु समस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रेरणा तालिका, प्रेरणा सूची एवं प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित समय अवधि में वितरित कराकर चस्पा कराए जाने हेतु जिला समन्वयक प्रशिक्षण / प्रभारी जिला समन्वयक समस्त खंड शिक्षा अधिकारी SRG ARP प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों को अपने स्तर से समुचित दिशा निर्देश देते हुए आपके स्तर से भी इसका नियमित रूप से अनुसरण सुनिश्चित करें। इसके साथ ही समस्त जनपदों द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को दिनांक 10 दिसंबर 2020 तक यह प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाए कि उक्त प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका एवं प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित संख्या में जनपदों में प्राप्त हो चुकी है तथा समस्त विद्यालयों में चस्पा कराई जा चुकी है। यदि किसी जनपद में उक्त प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका एवं प्रेरणा लक्ष्य की प्रतियां निर्धारित संख्या में उपलब्ध नहीं होती है तो तत्काल उसकी सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए ताकि आपूर्ति सुनिश्चित कराई जा सके, अन्यथा की स्थिति में इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। देखिए, सभी जनपदों के जिला समन्वय प्रशिक्षण और खंड शिक्षा अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि वह अपने स्तर पर सभी SRG ARP प्रधानाध्यापकों एवं सहायक अध्यापकों को समुचित निर्देश दें कि सभी विद्यालयों में प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका को चस्पा कराया जाना है और सभी जिला समन्वयक प्रशिक्षण को ये निर्देशित किया गया है कि 10 दिसंबर 2020 तक राज्य परियोजना कार्यालय को यह प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं कि आपके जनपद में निर्धारित संख्या में प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका और प्रेरणा लक्ष्य उपलब्ध हो चुका है। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि यदि किसी जनपद में उक्त प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका की संख्या कम है यानी कि उपलब्धता कम है तो इसकी सूचना भी तत्काल राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए ताकि आपूर्ति सुनिश्चित कराई जा सके। अतः उपरोक्त सूचना के बाद भी अगर विद्यालयों में प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका की उपलब्धता नहीं होती है या चस्पा नहीं होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की होगी। कृपया उपयुक्त निर्देशानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। अतः सभी जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि पत्र में जो भी विषय है और जिसके लिए जो भी दिशा निर्देश हैं उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। तो आशा करते हैं कि सभी विद्यालयों में प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका जल्दी उपलब्ध होगी, जिसके आधार पर मिशन प्रेरणा का जो क्रियान्वयन है उसे सफलतापूर्वक किया जा सके। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग संबंधी जो और भी सूचनाएं हैं वो आपको मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।